सबसे थोड़ा सा साइलेंट कर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रतीक तो मेरी जान है और खतरों के साथ में मेरा उसका बहुत अच्छा सफर था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज मेरा यार का बर्थडे है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। वो भी शूट में थोड़ा बिजी है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बट यही है कि हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक और हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। 2022 का साल इतना स्पेशल ईयर आपके साथ जाए, आपने खतरों भी किया, झलक भी किया, किस तरह से ये साल देखो, नए साल की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आपके तरफ से आने वाला है? नए साल की शुरुआत है, मुझे पता नहीं कि कैसा होगा, बट होप फॉर द बेस्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए साल के लिए भी, और मेरा पिछला साल बहुत अच्छा था, बहुत लकी था मेरे लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि दो दो शो एक्सपीरियंस करना अलग बात है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने दोनों शो किया और एंड तक पहुँचा। बस यही कहूँगा गाइस के आप लोग ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहो, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मेरा ये साल बहुत अच्छा गया है। हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं यार, बहुत टाइम। राजू भाई यहाँ पे, यहाँ पे चमक रहे भाई, तुम भी चमक रहे भाई। मेरा यार आ गया आज और हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं फिर भी नहीं मिल पाते, लेकिन हम जब भी मिलते हैं एकदम भाई की तरह मिलते हैं यार। भाई अरे अरे ऐसा नहीं है, मैं लकी हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये भाई बहुत बिजी रहता है मेरा, लेकिन हम मिल गए बहुत बड़ी बात है और आए ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी बातें जो आपको सबसे ऑन टॉप अच्छी लगती हो, कोई ऐसी कुछ ऐसी मेमोरी जो आप काफी, ये जो भी बोलेगा मैं सेम टू बोलूंगा क्योंकि ये सेम है वैसा। सच बनता है और हक बनता है, मतलब जो बोलता है वो करता है और जो बोलता है ना वो एकदम सही ही बोलता है, मुझे यही सेम टू ज्यादा पसंद है। सेम टू हां बात है। आपके फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए आज इस साल आपको बिग बॉस में ना देखे, जिस तरह आप रियलिटी शो कर रहे हो और काफी, हां मैं फैंस लोग को यही कहूंगा कि ऑलमोस्ट मेरा रियलिटी शो पूरा मतलब एंड तक आ ही गया था बिग बॉस के, झलक की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी मेरा सेकंड शो था, और मैं इंशाल्लाह अगर हुआ जाने जैसा हुआ तो फिर अगर मैं जाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, ये जहाँ पे भी जाएगा कमाल करके आएगा। तो गाइस थोड़ा सबर जो होता है ना, सबर थोड़ा सा सबर में धमाका होता है, फिर बम एकदम से ऐसी चिंगारी लगाते फटता नहीं है, समय जाता है फटने में, लेकिन इज द वन ऑफ द बेस्ट पीपल जिसको मैं जानता हूँ, अमेजिंग। देखो मैं सच्ची बताऊँ गाइस कि मुझे ना मतलब फैंस लोग का इतना अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और सपोर्ट है कि मुझे शो मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मैं यही कहूँगा कि मुझे आगे का पता नहीं, उनका प्यार और सपोर्ट ऐसी बरकरार है तो आगे भी मैं शो करते रहूँ। अरे वो मुझे बहुत पसंद है, बढ़ता है नहीं नहीं नहीं, वो तो वो जैसा है वो वैसे ही दिख रहा है घर में, और जो जैसा बोलता है वो वैसे ही बोल रहा भी है घर में, तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत पसंद है एमसी स्टैंड, उसका स्लैंग बहुत अच्छा है और यार कमाल कर रहा है। सब सब अच्छा खेल रहे भाई, अभी एक एक करके आप कितने लोग, चलो कोई नहीं, सबसे बेस्ट बिग बॉस खेल रहे हैं और सलमान भाई तो हमारे हैं ही। सर यहाँ पे, सर मैम यहाँ पे एक नंबर, कैसे हो लोग? बहुत बढ़िया। जाइए डेढ़ महीने पहले मैंने अपने पैर को फ्रैक्चर कर लिया था, आई एम स्टिल रिकवरिंग, मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ, लेकिन प्रतीक का बर्थडे है, मैं किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकती थी। बहुत मुश्किल से अपने आप को मैंने पुश किया है घर से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इट इज़ प्रतीक्स बर्थडे, एंड आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा मैं आज प्रतीक से पहली बार मिलूँगी,
जब वो बिग बॉस से बाहर आया था उसके बाद से लेके अब तक हम टच में है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बट मिलना कभी नहीं हो पाया। तो मुझे लगा इससे बेहतर और कोई मौका हो नहीं सकता प्रतीक से मिलने का। सो यस, मैं अपनी टूटी हुई टांग लेकर आ गई हूँ यहाँ पर, एंड आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव, लॉट ऑफ सक्सेस। उसका जो पैशन है अपने काम को लेके, उसकी जो ऑनेस्टी अपने काम को लेके, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक 10 साल पहले वाली कामया मुझे प्रतीक में नज़र आती है। सो आई थिंक यही एक कनेक्शन है जो मेरे और प्रतीक के बीच में है और जो बहुत स्ट्रांग है, एंड आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड सी हिम एंड गिव हिम अ टाइट हग। यार ये प्रतीक का बर्थडे, आप शालिन और टीना को क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं? सी आई डोंट नो उनका क्या रिलेशन है, वो जो भी है वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। द वे दे टॉक टू ईच अदर और एक दूसरे पे चीज़ें फेंकना मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार वाला रिश्ता हो, या चाहे को कंटेस्टेंट हो, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगा। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बिग बॉस प्लीज। मैंने अभी अभी देखना शुरू किया है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ हर एपिसोड के बाद मैं ट्वीट कर देती हूँ जो भी मुझे लगता है। बट येस, इट्स टू अर्ली टू जज, टू अर्ली फॉर मी, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं अब तक, अभी अभी शुरू किया है। सो लेट्स वेट, आप लोग भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे बिग बॉस के बारे में। थैंक यू। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस एंड ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बहुत ही, आई मीन शी इज वेरी टैलेंटेड यार। अच्छा हो गया? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट प्रतीक? आई थिंक प्रतीक, जब से मैंने इसको सेट पे देखा, पहली बार मिली हूँ मैं सेट पे से, इससे पहले मजे की बात है कि मैं इसकी सिस्टर से मिल चुकी थी ऐसे ही कॉमन प्लेस पे, एंड तब मैंने बोला था कि आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड प्रतीक जब वो बिग बॉस में था, और फिर फाइनली इसके साथ काम करने मिला, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड जिस तरह की उनकी जो जर्नी रही है नागिन में, एक अच्छे जर्नलिस्ट का किरदार उन्होंने निभाया था, अब काफ़ी मिस कर रहे हैं उनको नागिन में, आप लोग कितना मिस कर रहे हो प्रतीक को सेट पे? मैं कितना मिस, मैंने तो उसे मारा फिर खुद मर गई, मैं क्या मिस करूंगी। मैंने, हम दोनों ने एक साथ प्लानिंग की कि मार के मरेंगे, तो मैंने तो वही किया, मार के मरी। क्या हम दोनों आप लोग फिर से नागिन में देख पाएंगे इन फ्यूचर? कहीं ना कहीं तो देख पाओगे, नागिन का पता नहीं लेकिन कहीं तो देखोगे। आई डोंट नो वेयर यू कैन सी अस, बट आई कैन ओनली से वन थिंग दैट ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। सो इज शी। कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैंने इस बंदे का देखा है और इतना ऑन पॉइंट है, वो हर चीज देखता है, हर चीज। बट दैट्स ट्रू, बट दैट्स ट्रू, यू नो दैट। दादा दादा इकड़े इकड़े इकड़े, एक जनता वाइट कर, एक जनता वाइट कर, हाँ इकड़े आना, इकड़े आना। सबको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। भाई एक सवाल आया था, वैसे मैं सोशल एनिमल नहीं हूँ, पार्टियों में ज्यादा जाता लेकिन मैं एनिमल हूँ, मैं भी एनिमल हूँ, हम दोनों एनिमल्स हैं। पहली बात है कि भाई ये जो बंदा है प्रतीक, जो बोला था दादा आप मेरे बड़े भाई हो, और जब बड़े भाई को बुलाया जाए छोटे भाई के लिए, किधर भी जिंदगी भर मैं खड़ा रहूँगा। जी
जी एक्चुअली ये ऐसे ही था, मेरे को बड़े टाइम से ना लंबे बालों से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा छोटे करा लेते हैं। वो अभी ऐसे भी अच्छा लग रहा है, वैसे भी अच्छा लग रहा था। बर्थडे के बारे में क्या आपने नाजिम भी शेयर किया है एक साथ? जी बिल्कुल किया है जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे प्रतीक के बारे में? जी प्रतीक के बारे में ये बोलना चाहूँगा, ही इज़ लाइक वन ऑफ अ काइंड एंड उसके जैसे इंसान बहुत ही कम खुदा बनाता है, एंड शेर दिल इंसान है और बहुत ही पैशनेट है, एंड जो भी है जैसा भी है आई लव हिम सो मच, एंड मेरा भाई है। किस तरह की मेमोरीज थी आपके नागिन के सेट पे? उस सेट की मैं बात करूं, यू तेजस्वी प्रति उनके बिग बॉस रियूनियन का एग्जैक्टली ग्रेट ट्रायो, या ग्रेट ट्रायो बिग बॉस। किस तरह की मेमोरीज थी आपके प्रतीक के साथ? जी बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज थी प्रतीक के साथ, स्पेशली या तो वो मेरे रूम में होता था या तो मैं उसके रूम में होता था, एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू ईट लॉट टुगेदर, या फिर मैं तुम दोनों के रूम में होती थी इधर, या तो ये भी आ जाती थी मैम हमारी कभी कभी, हम फिर तीनों चिल किया करते थे। एंड जो भी है मतलब आई नो हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स, ही नोज माय डीपेस्ट सीक्रेट्स, दैट्स द कनेक्शन वी हैव। सो आई मीन मैं देख तो नहीं रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट या आई कम अक्रॉस अ फ्यू क्लिप्स, एंड मुझे लगता है जो भी जैसे भी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम इन सपोर्ट फॉर टीना। किस तरह की क्लिप्स अभी तक आपने किए हैं जी? किसका डीएमओ क्लिप में आपको लगता है इस बार? मैम वही मैंने आपको पहले ही आपके सवाल से पहले जवाब दे दिया है, मुझे टीना का गेम अच्छा लगता है। राइट, टीना आई मीन बहुत गॉर्जियस लगते हैं दोनों साथ में, एंड मैंने आज ही इनफैक्ट एक वीडियो देखा इन विच शालीन वॉज यू नो गेटिंग एग्रेसिव ओवर, विच आई डिडंट एट ऑल लाइक, बट ठीक है वो घर ही ऐसा है जहाँ पे यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस एवरीथिंग, एंड टीना ने कुछ सोच समझ के उनको पसंद किया। ये सिम्बा है, ये सिम्बा है, सिम्बा ऐसा ही है, सिम्बा से ज्यादा शांत लड़का, सिम्बा से ज्यादा शांत लड़का मैंने देखा। आई मीन सिम्बा थैंक यू, मैम बोल रही है ना एक्सपीरियंस से एकदम। हां जी, दोनों की केमिस्ट्री के बारे में काफी बाहर बोलने की फेक है, लास्ट ईयर भी तेज रन की केमिस्ट्री का फेक बोल रहे थे, सेम सेम जैसी दिख रही है केमिस्ट्री, उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं। किसकी अच्छा फेक दिख रही है आपको? आई मीन आई विल से कि हाँ मतलब बातें ऐसी बहुत करते हैं जब आप घर के अंदर होते हो, बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस यू एक्चुअली फील द इमोशंस एंड यू एग्जीक्यूटेड विद देम। डू यू एंड तेजस्वी डिस्कस अबाउट द हाउस? बिकॉज़ ऑफ कोर्स ऑल द टाइम आई एम लाइक ऑलवेज आस्किंग टू शट अप शी इज ऑलवेज अबाउट बिकॉज़ इवन दिस प्रतीक गाय मैन ही इज ऑलवेज लाइक टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ आई एम लाइक डूड लेट्स गेट ओवर इट नाउ मैन। या I'm also awesome. Thank you, Mirabai. Christmas is coming. Merry Christmas and a very happy new year to everyone. So guys, this is the time where you need to do what you have always thought about. जो भी आपने इतने सपने सजाए हैं, this is the exact time where you take action on it. All the best to you and a very happy new year. Thank you. Thank you. जी. अरे गाड़ी नहीं आएगी मैम, सब रोक के रखे हैं, सब गाड़ी रोक दिए मैम। हाँ कैसे हो मैम? मैम को आने दो, साइड हो जाओ। लाइट मत मारो इतना यार, लाइट बंद कर दो, एक लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर मैम, यहीं पे ए हटना भाई, एक मिनट साइड हो, तुम जाने बस बस साइड हो जाओ यार, बस यहीं पे मैं नीचे ही जगह पड़ूंगा।
पाजी आ गए बर्थडे पे, मतलब इनके पास तो टाइम ही नहीं है लेकिन अभी भी अभी इसकी शुरुआत है। बहुत बड़ा स्टार बनेगा तभी हम आते रहे। थैंक यू यार। प्रतीक दिल्ली से है, पंजाबी है और दिलदार लड़का है हमारी तरह। जब भी मैं मिलता हूँ बहुत प्यार करता है और बिग बॉस से मैं इसका फैन हूँ। मैं आपका फैन हूँ पाजी। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में ही विल रॉक। सो गॉड ब्लेस। थैंक यू पाजी। मैं मतलब मैं बता नहीं सकता कि अगर आज से 5 साल पहले देखूं तो मैंने शायद कभी सोचा होगा कि पाजी मेरे बर्थडे पे आएंगे, और आज पाजी मेरे बर्थडे पे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी लोग आए हैं आई थिंक देर ऑल बहुत 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 दिग्गज लोग हैं। बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक, हैप्पी बर्थडे डियर प्रतीक, हैप्पी बर्थडे। मैम अब तो जो तेरे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। हाँ
आई वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जो विश करना था वो मैंने उनको कर दिया ऑब्वियसली, बट जो उन्होंने बोला बट इन इंग्लिश, विश यू ऑल द लक. उल्टा उल्टा हो जाए तो पता नहीं. एंड बस हाँ, लॉट्स ऑफ मनी, फेम. यस हाँ, लेट मी सेव यू. अभी इतना बवाल सॉन्ग आया था इसका और आस्था का, यार चार गाने. थैंक यू. कल था भाई, पता है मुझे कल था. थैंक यू. रात चलना था कि सेम टू यू. आप दोनों से सारे हां प्लीज इन लोगों से बात प्रतीक की जो आपको काफी अच्छी लगी, आप काफी अच्छे नाम से पुकारते हैं प्लीज. प्रतीक के वो नाम के पीछे क्या रहा? प्यार, प्यार से बुलाती थी मैं उसको. उसको नहीं पसंद, अभी नहीं बुलाती मैं उसको. अब प्यार ही नहीं रहा तो क्या नाम? चौंटू. चौंटू सिंह. Listen, Ashwin sir is waiting right here. So Akasha, बोलना बोलो यार.